नीली व्हेल। एक नीली व्हेल 30 मीटर तक लंबी और 180 टन तक वजनी हो सकती है। इस तरह से नीली व्हेल अब तक मिलने वाले डायनासोरों के सबसे बड़े कंकाल यानी 27 मीटर से भी बड़ी होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में नीली व्हेल पृथ्वी में लगभग सभी महासागरों में प्रचुर मात्रा में थे, पर लगातार शिकार होने के कारण इनकी आबादी महज 5,000 से 12,000 तक ही रह गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीली व्हेल समेत सभी व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती। इनके सिर पर एक छेद होता है और जब यह पानी से निकलकर गोता लगाती है तो उसी छेद की सहायता से सांस लेती है। नीली व्हेल बहुत ही प्राचीन जीव है जिसकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले मानी जाती है। नीली व्हेल की गर्दन बहुत लचीली होती है जो तैरते समय गोल घूम सकती है। व्हेल की पूंछ के अंत में 2 सिरे उसे तैरते समय मुड़ने में सहायता करते हैं। एक औसत नीली व्हेल का जीवन काल 70 से 90 वर्ष का होता है। ब्लू व्हेल अपनी सांस को 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोक सकती है। व्हेल अपने दूसरे साथियों से संपर्क करने के लिए एक खास प्रकार की आवाज़ निकालती है जो बहुत ही मधुर होती है और उन्हें कई मीलों तक सुना जा सकता है। नीली व्हेल के दिल का वजन 600 किलोग्राम तक होता है और वह 1 मिनट में सिर्फ 9 बार ही धड़कता है। नीली व्हेल 90 दिन तक बिना सोए रह सकती है। सोते समय भी उनका आधा दिमाग जागता रहता है जबकि आधा सोया रहता है। नीली व्हेलों का भोजन अन्य छोटी छोटी मछलियाँ होती है और यह एक दिन में 4 टन से 6 टन तक भोजन खा सकती है। भोजन की ज़्यादातर ऊर्जा वह सुरक्षित करके रख लेती है जिसकी वजह से वह 200 दिन तक बिना खाए भी रह सकती है। नीली व्हेल की खोपड़ी की लंबाई 5.8 मीटर तक नापी गई है, फिर भी इनके दिमाग का वजन महज 7 किलोग्राम तक होता है। नीली व्हेल अन्य मछलियों की तरह अंडे नहीं देती बल्कि यह सीधे बच्चे पैदा करती है। नीली व्हेल एक बार में सिर्फ 1 बच्चा ही पैदा कर सकती है। यह व्हेल जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी लंबाई 8 मीटर तक और वजन 4 टन यानी 4,000 किलो तक होता है। यह बच्चे रोजाना अपनी माँ का 200 से 300 लीटर दूध पी जाते हैं। नीली व्हेल अपने फेफड़ों में एक बार में 5,000 लीटर से ज़्यादा हवा एकत्रित कर सकती है। ब्लू व्हेल 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। इनका शिकार मुख्य तौर पर इनके मांस के लिए होता था जो कि बहुत महंगा और स्वादिष्ट होता था, परंतु अब व्हेलों के शिकार पर रोक लगा दी गई है जिससे भविष्य में इनकी जनसंख्या बढ़ने के आसार हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।